हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेरियो D3 क्लब से विथड्रॉल कैसे करें और रेरियो D3 क्लब में बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना जिससे आपको वीडियो समझ में आए और आप भी रेडियो D3 क्लब से विथड्रॉल कर सकें और अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकें। बहुत सारे लोगों को बैंक अकाउंट ऐड करने में भी प्रॉब्लम हो रही है और उन्हें पता ही नहीं है बहुत सारी जानकारियां बैंक से रिलेटेड। तो मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगा और आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे करना है जिससे आपकी मनी, आपका विनिंग अमाउंट आपके बैंक खाते में आ जाए इजीली बिना किसी परेशानी के। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाली है क्या, रेडियो D3 क्लब से रिलेटेड सारी अपडेट्स। और अगर अभी तक आपने साइन अप नहीं किया है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, अगर वहाँ से साइन अप करोगे तो आपको $10 मिल जाएंगे। अगर आपने पहले से साइन अप कर रखा है तो अपने दूसरे मोबाइल नंबर और दूसरी ईमेल आईडी के द्वारा साइन अप करोगे तो भी आपको मिल जाएगा क्या $10, और उस $10 का यूज आप कर सकते हैं प्लेयर कार्ड्स का पैक खरीदने में। तो चलिए मैं मोबाइल की स्क्रीन में आ गया हूँ। विथड्रॉल करने के लिए आप ये D3 क्लब का एप्लीकेशन है, इसमें नहीं जाना है। अगर आपने D3 क्लब का एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करना कर लेना, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन विथड्रॉल करने के लिए एप्लीकेशन से विथड्रॉल नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एप्लीकेशन से बिल्कुल भी विथड्रॉल नहीं होगा, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वेबसाइट में। तो चलिए मैं वेबसाइट में आ गया हूँ, मैंने वेबसाइट में ओपन कर लिया हूँ D3 क्लब को। ओके, तो radio.com गूगल में सर्च करके आप भी कर सकते हैं। ओके, आपको आप लोग अभी तक तो कर ही लेते होंगे 100%, मुझे विश्वास है, इसलिए मैं वो नहीं बताने वाला, आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है और अब मैं क्या करने वाला हूँ, विथड्रॉल करने वाला हूँ। और विथड्रॉल करके आपको दिखाऊंगा और लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे विथड्रॉ करते हैं, बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। एक बार लाइक जरूर करते रहना क्योंकि आप लोग भूल जाते हो और वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक करना तो बनता है। तो चलिए, जब D3 क्लब आप किसमें ओपन कर लोगे, गूगल में जाके, और यहाँ पे एक मार्केट प्लेस आएगा, आपको मार्केट प्लेस में जाना है। मैं यहाँ पे नीचे 5 ऑप्शन रहते हैं, पहला होम, गेम, फिर बाय पैक और मार्केट प्लेस। तो मैं मार्केट प्लेस में आ गया। अब मार्केट प्लेस में आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर कार्ड्स दिखेंगे और वो प्लेयर कार्ड्स देखते हैं मार्केट प्लेस में जो सबसे सस्ते होते हैं या रिसेंटली होते हैं। ओके, जो रिसेंटली लॉन्च होते हैं वो प्लेयर कार्ड्स आपको क्या करेंगे, देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो भी सस्ता लगे तो आप लोग खरीद लो। मैं आप लोगों को डेली सजेस्ट करता हूँ कि जो प्लेयर $1 में मिल रहे हैं ना, $1 से $2 में, आप उन्हें ज़रूर खरीद लो, क्योंकि अभी BBL आएगा और उसके बाद IPL आएगा, तो आपको $1 और $2 में कोई नहीं देगा ऐसे प्लेयर। जैसे एडम मिलने हो गया, ये BBL खेलेगा, $1 में कौन देगा यार। तो एक बार जरूर आप लोग अलर्ट रहो और बिल्कुल जागरूक रहो कि कौन से प्लेयर सस्ते मिल रहे हैं। तो चलिए, ओके, लेकिन आपको विथड्रॉल करने के लिए इन 3 डॉट में जाना है, और इन 3 डॉट में जब क्लिक करोगे ना तो आपके पास विथड्रॉल का ऑप्शन आएगा। तो चलिए अब मैं इसमें 3 डॉट में क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करके आपको पूरी जानकारी देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे विथड्रॉल करना है, बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है जिससे गलती ना हो और आपका पैसा तुरंत आपके बैंक खाते में आ जाए। तो आप ध्यान से सुनना और मैं वीडियो स्लो करके आपको दिखाऊँगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, सो दैट आपको समझ में आए।
तो एक चीज जरूर ध्यान रखना, आपको कहाँ पे रेडियो को ओपन करना है, रेडियो को ओपन करना है गूगल में, एप्लीकेशन में विथड्रॉल का ऑप्शन नहीं आएगा। ओके, तो चलिए मैंने तीन डॉट में क्लिक कर दिया। तीन डॉट में क्लिक करने के बाद ऐसा ऑप्शन आएगा, सबसे ऊपर लिखा रहेगा आपका रेडियो वॉलेट बैलेंस, उसके बाद अवेलेबल फॉर विथड्रॉल और सबसे नीचे रेडियो बोनस। तो मेरा आप देख सकते हैं कि अवेलेबल फॉर विथड्रॉल भी ग्रीन है, क्योंकि मेरे पास $25 से अधिक हो गए हैं और बहुत कुछ यहाँ पे है। तो अब मैं विथड्रॉ पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा और विथड्रॉ में क्लिक करके आपको दिखाऊँगा। मैंने अपना पैसे हाइड कर दिया है सो दैट आप लोगों को दिखे ना कि मेरे अकाउंट में और कितने बैलेंस हैं। ओके, तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ से मैं हाइड कर दिया हूँ, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी होती है कि कभी ना कभी क्या करता है वो रिस्ट्रिक्शन पैदा कर देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अमाउंट को अपने हाइड कर रखा है। अब विथड्रॉ में क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स क्या है कि आपके पास जितना भी पैसा है उसका कितने परसेंट या फिर कितने डॉलर आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको भरना है, अगर सपोज दैट आपके अकाउंट में $500 है तो आपको $200-$300 अगर करना है तो उतना अमाउंट यहाँ पे बाय लिख सकते हैं। या फिर जो 100% 50% 20% ये है, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जितना डॉलर है अगर आप 100% कर दोगे तो पूरा विथड्रॉल हो जाएगा, 50% करोगे तो आधा विथड्रॉल होगा, 20% करोगे तो 20% विथड्रॉल होगा। ओके, लेकिन आप मैन्युअली यहां पे टाइप करना है। तो चलिए मैं अगले स्टेप में क्या करता हूं, यहां पे टाइप कर लेता हूं अपना अमाउंट और टाइप करके मैं हाइड कर दूं। ओके, तो चलिए मैंने टाइप कर लिया है यहां पे। अब टाइप करके आपको क्या करता हूँ, मैं दिखाता हूँ। तो मैंने टाइप किया हूँ और टाइप करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, जैसा कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है क्या नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको अपना अमाउंट टाइप कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करना है, बड़े ध्यान से क्लिक करना है। अभी आपको क्या आएगा ऑप्शन, बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रेडियो में या फिर रेडियो D3 क्लब में बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें और रेडियो D3 क्लब से विथड्रॉल कैसे करें। तो चलिए मैं नेक्स्ट किया, तो नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको विथड्रॉल डिटेल्स लिखा रहेगा ऊपर, उसके बाद ट्रांजेक्शन समरी और नीचे क्या लिखा है देख सकते हैं, जैसा कि आप एड बैंक अकाउंट। अब यहां पर आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जब विथड्रॉ करोगे तभी आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, उसके पहले बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि कुछ लोग मुझे KYC और वेरिफिकेशन के समय पूछते हैं कि बैंक अकाउंट तो मुझसे मांगा ही नहीं है, तो बैंक अकाउंट यहां पर ऐड होगा। तो चलिए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बैंक अकाउंट, तो अब मैं इसे जूम कर लेता हूं, बड़ा कर लेता हूं, ये मैंने कर लिया बड़ा, मतलब स्क्रॉल अप कर लिया। अब यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप, पहले आपको क्या करना है, अकाउंट होल्डर का नेम डालना है सबसे ऊपर, तो जैसा आपका नाम है सपोज दैट रमेश कुमार सिंह डाल लेना है, कंट्री दूसरे नंबर पे सेलेक्ट कर लेना है, तीसरे नंबर में आपको अपना अकाउंट नंबर डाल लेना है, चौथे नंबर में एक बार फिर से री इंटर अकाउंट नंबर, फिर उसके बाद स्विफ्ट NBIC कोड डाल लेना है और उसके नीचे भी आप देख सकते हैं तो बैंक नेम डालना है। ओके, तो अगर स्विफ्ट कोड नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको घर बैठे स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। तो ये है प्रोसेस, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स आप भर लेना, स्विफ्ट कोड गलत मत डालना, अदरवाइज आपका पैसा आपके बैंक खाते में नहीं आएगा, इसलिए मेरा स्विफ्ट कोड वाला वीडियो जरूर देखना जिससे आपको समझ में आए। तो चलिए मैं पूरी बैंक डिटेल्स फिल कर लिया है सपोज दैट, अब फिल करने के बाद नीचे जो यहाँ पे मैं टिक कर लिया हूँ, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना पड़ता है। ओके, तो मैं सब कुछ भर के यहाँ पे बैंक नेम भी डाल लिया है, उसके बाद सिटी डालेंगे और सब कुछ डालने के बाद आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद ये जो सेव डिटेल्स है ना, ये अभी ग्रीन नहीं है, देखना अभी मैं पूरी डिटेल्स जब भर लूँगा ना तो ये ग्रीन हो जाएगा और मैं सेव कर लूँगा। तो चलिए मैं कर दिया और सेव पे क्लिक कर दिया, तो मैं अपना अकाउंट ऐड कर दिया।
ओके, पूरी डिटेल्स भर के सेव डिटेल्स कर दिया। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो अभी इसमें क्या करना है मुझे, टिक करना है। अभी टिक मार्क्स नहीं किया इसके सामने, इसके सामने आपको टिक करना पड़ेगा तभी ये बैंक सेलेक्ट होगा, और उसके बाद नीचे जो ऑप्शन है विथड्रॉ उसमें क्लिक करना है। तो चलिए अभी क्या करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने क्या किया है, अपना बैंक अकाउंट ऐड किया है और उसके सामने जो डॉट है उसमें क्लिक कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने ग्रीन ग्रीन अभी आपको दिख रहा है, मैंने क्लिक कर दिया और उसके नीचे अभी ये विथड्रॉ में आपको करना है क्लिक, तो आपका जो अमाउंट है वो क्या होगा, विथड्रॉ हो जाएगा। तो रेडियो में विथड्रॉल ऐसे किया जाता है और बैंक अकाउंट ऐसे ऐड किया जाता है। चलिए मैं विथड्रॉ में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको पूरा रिसिप्ट दिखाएगा विथड्रॉ में कि आपकी सबसे ऊपर आपका अमाउंट दिखाएगा, उसके बाद सर्विस फीस कितनी लगी है और टोटल विथड्रॉल दिखाएगा और नीचे बैंक डिटेल्स जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे करने के बाद आपको मतलब कितना कितना पैसा कट रहा है वो पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा, जैसे इनवॉइस होती है ना, अगर कुछ लोगों का बैंक जो इनवॉइस मांगता है तो वो ये देख सकते हैं, इसका स्क्रीन शॉट लेके इनवॉइस दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा होल्ड आ रहा है। अब आपको विथड्रॉ जो सबसे नीचे है उसमें क्लिक कर देना है, तो मैं क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद ऐसा थोड़ा प्रोसेसिंग होगा आपके पास, और प्रोसेसिंग जैसे दिखेगा और कम से कम एक मिनट कभी कभी लग जाता है और एक मिनट का समय लगेगा, तो प्रोसेसिंग वाली जो क्लॉक है ना ऊपर, सबसे ऊपर क्लॉक दिख रही है, वैसे प्रोसेसिंग लिखती रहेगी और प्रोसेसिंग के बाद वो जो टिक मार्क्स होता है ना सही वाला वो हो जाएगा। तो मेरा अभी प्रोसेसिंग पे है और कुछ देर बाद ये हो जाएगा, टिक मार्क्स लग जाएगा, मतलब क्या हो गया, रेडियो ने ऐसा आ जाएगा ऐसे टिक मार्क्स। ओके, तो अभी मतलब क्या हो गया है, रेडियो ने मेरा पैसा ट्रांसफर कर दिया है। अब बैंक के ऊपर है कि बैंक आपका पैसा कब तक देगा, तो लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं नॉर्मली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में, और अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में 2-3 से अधिक हो रहा मतलब आपका बैंक क्या है, आपका पैसा होल्ड कर रहा है, तो आपको बैंक में जाके बात करनी पड़ेगी। तो मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि विथड्रॉल प्रॉब्लम वाला, तो उसे आप जरूर देखना अगर आपको विथड्रॉल में प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।